प्रेम से बोलिए, करौली सरकार कीजिए, सच्ची दरबार कीजिए। आज मैं अपना स्वयं का एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, करौली सरकार जी का दरबार ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा दरबार है जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। यह दरबार बाग सिद्धि का है। आप जो भी यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सच हो जाता है। इसलिए आप जो कुछ भी इस दरबार में बोलेंगे, वो बहुत ही सोच समझकर बोलेंगे। बाबा जी और माता जी के आशीर्वाद से हमने अपना एक दिवसीय हवन का प्रोसेस पूरा किया। गुरु जी द्वारा महाहवन करने का टोकन मिला और महाहवन का भी प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हुआ और सबसे अंत में गुरु जी से मिलकर एनर्जी बैलेंस करने का प्रोसेस पूरा हम लोग करने वाले थे। दूसरे दिन बाबा जी की आरती, माता जी की आरती के बाद संकल्प हुआ और सिर्फ गुरु जी से मिलकर ऊर्जा बैलेंस करवाना बाकी था। गुरु जी आए भी और बोले कि महाहवन वाले अभी बैठेंगे थोड़ी देर और उसके बाद वो वन डे हवन वाले 13 लोगों की चिकित्सा में वो व्यस्त हो गए। ये सब प्रोसेस होते होते लगभग 1 बज गए। हम सभी ये सोचकर दरबार के बाहर नहीं जा पा रहे थे कि कहीं हम बाहर गए और हमारा गुरुजी से मिलना छूट जाएगा। तब गुरुजी ने थोड़ी देर का ब्रेक लिया और हम बाबा जी के दरबार में ही बैठे रहे। गुरुजी लगभग 4 बजे के करीब फिर से चिकित्सा के लिए आए। हम सभी बहुत ही खुश थे कि अब महाहवन वाले को भी गुरुजी देखेंगे, लेकिन गुरुजी के आते ही उन्हें अर्जेंट 4-5 लोगों को चिकित्सा करनी पड़ी। हम लोगों की चिकित्सा होना फिर से रह गया और उन 4-5 लोगों की चिकित्सा के बाद फिर से 3-4 लोग गुरु जी के पास अपनी चिकित्सा करवाने के लिए बैठ गए। अब शाम के लगभग 5 बज गए थे और हम सब बहुत ही थक गए थे। मैं मन ही मन गुरु जी से प्रे कर रही थी, गुरु जी प्लीज़ महावन वालों को जल्दी से जल्दी आप देख लीजिए, क्योंकि सुबह 7 बजे से शाम के 5 बज गए थे और हम सभी को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने अंत में बाबा जी से प्रार्थना करने की सोची और मन में भगवान भोलेनाथ को याद किया और पूजनीय बाबा जी को, गुरु माता जी को, माता कामाख्या को और करौली शंकर महादेव जी को ध्यान किया। फिर बाबा जी से प्रार्थना की, पूजनीय बाबा जी, हम सभी सुबह से गुरु जी से मिलने के लिए बैठे हैं, हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। बाबा जी आप प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी को बोलिए कि वो जल्दी से जल्दी महाहवन वाले को वो देख लें। इतना बोलकर मैंने 3 बार ओम नमः शिवाय बोला और अपनी आंखें खोल दी। अचानक से मैं देखती हूँ कि गुरु जी मुझे ही देख रहे हैं। उन्होंने दरबार के सेवक को बुलाया और सेवक ने अनाउंसमेंट किया, जितने भी महाहवन वाले हैं वो सभी जल्दी से जल्दी एनर्जी बैलेंस करवाने के लिए रेलिंग के पास आ जाए। इतना सब होने में सिर्फ 2 मिनट का समय लगा। मैं दंग थी कि जिस काम को करने के लिए मैं सुबह से बैठी हूँ और मैं सुबह से और सिर्फ सच्चे मन से मैंने केवल संकल्प किया और बाबा जी से प्रार्थना की और बाबा जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैंने बाबा जी को, माता जी को, गुरुदेव जी को, समस्त दरबार को बहुत बहुत धन्यवाद दी और अपनी जाने अनजाने अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कीजिए, ऐसी भी मैं प्रार्थना की और स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इतना सच्चा और प्यारा दरबार मिला। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि आप सभी भी संकल्प करें, संकल्प में बहुत शक्ति है और सच्चे मन से संकल्प करें, प्रार्थना करें। बाबा जी सबकी सुनते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये मेरा कल का एक्सपीरियंस है। तो प्रेम से बोलिए, करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, हरि हरि।